हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक में। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन, इसे कैसे चेक करते हैं। और मैं इस वीडियो में थोड़े बहुत ट्रांजिस्टर के बेसिक के बारे में ही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दो अलग अलग टाइप्स के ट्रांजिस्टर को ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि ये दोनों ट्रांजिस्टर की जो बनावट है ये बेसिकली दो डायोड से मिलकर बनी हुई है, जिसमें दोनों का कॉमन वायर बेस है। इसमें नोटिस करने वाली ये बात है कि ये जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन, इसमें जो दो डायोड का कॉम्बिनेशन है, तो इसका कॉमन जो वायर है ये इसका पी टाइप कनेक्शन है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है हमारा, उसका जो कॉमन कनेक्शन है दोनों डायोड का एन टाइप कनेक्शन है। तो अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं तो हमें मल्टीमीटर के ब्लैक वायर को हमें ट्रांजिस्टर के बेस में लगाना होगा और मल्टीमीटर के रेड वायर से हमें ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा। उसी तरीके से हम अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तो हमें ट्रांजिस्टर के बेस में मल्टीमीटर के रेड वायर को लगाना होगा और बाकी एक वायर से, यानी कि ब्लैक वायर से, हमें ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा। तो आइए हम अपने ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर चेक करने से पहले हमें नहीं पता होता है कि उसके पिन आउट क्या है, उसका बेस एमिटर कलेक्टर कौन सा है, तो हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा। हम पता ऐसे करेंगे, हम मल्टीमीटर के किसी भी प्रोब को लेंगे और उसके एक वायर पर हमें टच करना है और बाकी जिस कोई भी एक वायर से, मल्टीमीटर के एक वायर से हमें दोनों पिन को टच करके देखना है मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे। अगर दोनों कोई एक वायर पे लगाने के बाद और एक वायर से अगर डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा है दोनों पे, तो हम समझ जाएंगे कि वो पहला वाला वायर हमारा बेस है और हम इस दोनों वायर को उससे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहां देख सकते हैं कि मैंने ट्रांजिस्टर के जो राइट साइड में एक पिन है उसमें मैंने मल्टीमीटर का ब्लैक वायर को लगाया है और रेड वायर से मैं बाकी के दो पिन को टच कर रहा हूं, तो इसमें नंबर शो हो रहा है। तो इससे ये पता लगा कि हमारे जो ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये। अब हम उसी तरीके से दूसरे वाले पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी सेम नंबर शो हो रहा है। तो इससे ये पता लगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है, तीन ट्रांजिस्टर, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो अब हम उसी तरीके से हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी हमें स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ेगा, हमें इसके बेस पिन को खोजना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप यहां देख सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के जो मिडिल में जो पिन है उसमें मैंने मल्टीमीटर के रेड वायर को लगाया है और ब्लैक वायर से दोनों राइट और लेफ्ट साइड के पिन को चेक किया, तो इसमें नंबर शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इस तरीके से हमें दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी सेम नंबर शो होंगे क्योंकि सेम नंबर के इसमें ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।